एगियोक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जो कि पोल्ट्री के अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। उन्होंने फार्मिंग भी की है और वो अभी फिलहाल इंटीग्रेशन करवाते हैं और लगभग 40 साल का तजुर्बा उनका पोल्ट्री में है। तो जी हाँ, मेरे साथ ओंकार बत्रा जी जुड़ चुके हैं, मुंबई से जुड़ चुके हैं ओंकार बत्रा जी मेरे साथ। तो बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं एग्योक न्यूज़ पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 1975 से पोल्ट्री में जाने से पहले, मतलब हम पोल्ट्री के मापदंड को या पोल्ट्री के मॉडल को समझने से पहले हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाते हैं। इतिहास जो है, इतिहास में जाना बहुत जरूरी, क्योंकि इतिहास जो है ना वो आपको बताता है कि इतिहास में क्या हुआ। और हमें ये जानना है कि मैं ये बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से बता रहा हूँ, जो जुमला मैंने बोला है बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोला है। हमारे ये फिलोसोफर हैं, उन्होंने लिखा है, वी नीड टू स्टडी द होल हिस्ट्री नॉट टू फॉल बैक इनटू, बट सी इफ वी कैन एस्केप फ्रॉम इट। अगर हम किसी हिस्ट्री को देख के अगर हम किसी दुर्घटना से बच सकें, वही हमारा प्रॉफिट होगा। दूसरे बिल्कुल भाई साहब बताते हैं, वी स्टडी हिस्ट्री नॉट टू बी क्लेवर इन अनदर टाइम बट टू बी वाइज इन कमिंग डेज। जी, तो ये जो है, ये दिस इज अवर, अगर हम हिस्ट्री को ध्यान रखें, वी शुड स्टडी इन हिस्ट्री अबाउट नॉट फॉर व्हाट हैपेंड बट व्हाई इट हैपेंड। क्योंकि अगर आपका अगर व्हाई क्लियर होगा ना, तो आपका हाउ, किस तरह से काम करना है, आपकी अप्रोच, वो आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी हिस्ट्री के ऊपर। हमारी हिस्ट्री क्या है? मॉडल ऑफ बिजनेस इन लास्ट 40 to 45 years ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। 1975 में हम रेडी चिक्स लिया करते थे, रेडी फीड लिया करते थे, ओन फार्मिंग किया करते थे और लाइव बर्ड्स बेचा करते थे। 75 का, जी 75 में हम, उस वक्त तो ब्रॉयलर भी होता नहीं था, उस वक्त तो मोस्टली कॉकरल या लेयर होता था। ब्रॉयलर तो मुझे हाँ लगता है जी 1900 के बाद में आया। जी अब आप ये 15 साल में क्या हुआ, फेरी चिक्स तो रहा, लेकिन फीड मिल जो थी वो ओन फीड मिल में तब्दील होनी शुरू हो गई। जी मतलब ये मैंने सब कलर से भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हम कहां कहां बदली हो रहे हैं। जी 2000 में हैचरी आनी शुरू हो गई। ओन फीड मिल जी तो पहले से थी, ओन फार्मिंग के साथ साथ में इंटीग्रेशन भी आना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप देखें, लाइव बर्ड वैसा का वैसा ही है। फिर जी हम 2010 में देखें तो ब्रीडर आने शुरू हो गए। मतलब ये जो होड़ है 1990 में ओन फीड मिल की लग गई, क्योंकि तब ऐसा जी होता था, ओन फीड बनाते थे और रेडीमेड फीड देते थे, उसमें कम से कम 15% का फर्क पड़ता था। तो 15% हमारा कॉस्ट बच जाएगा, लोगों ने फीड मिल बनानी शुरू कर दी। फिर उनको हैचरी लगानी शुरू कर दी लोगों ने, कि भी चिक्स के कॉस्ट बहुत है, हैचेबल एग्स लेके हम बनाएंगे तो पैसा बन जाएगा। फिर लोगों ने 2010 जी में ब्रीडर लगाने शुरू कर दिए, कि हमारे को चिक्स की कॉस्ट कम आती है तो हम ब्रीडर लगाएंगे तो हमारी चिक की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप 2015 में, 2015 में ओन चिकन आउटलेट भी आने शुरू हो गए। ये चेंजेस आपको 5 मॉडल 40 साल में दिखे आपको। जी सवाल ये है कि हम मॉडल, ये जो मतलब ये जो मॉडल है, हम मॉडल बदली क्यों किए? जरूरत क्या थी हमको मॉडल बदली करने की? मतलब इस मॉडल में, इस मॉडल में क्या खराबी थी? हमने इस मॉडल में हम क्यों गए? ये 2020 से 10, पिछले 10 साल में इंटीग्रेशन आया, जी ब्रीडर फार्म इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ने ओन जी ओन चिकन आउटलेट आया। फिर यहां पर 2017 में ईसी शेड आ गए, रेडी टू ईट आउटलेट शुरू होना चालू हो गया। जी फिर 2020 में अब ऐसा हो गया है कि रॉ मटेरियल साइलो बनने शुरू हो गए हैं लोगों के पास। लोगों ने तीन तीन चार चार महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लोगों ने जी सोया क्रश प्लांट लगाना शुरू कर दिया है।
ये एक्चुअली 2019-20 की बातें हैं। तो ये जो चेंजेस जो आए हैं अब 2021 में या 22 में आगे क्या होगा, सवाल ये है कि पिछले 45 साल में हमने हर बार मॉडल ऑफ बिजनेस क्यों चेंज किया। इसको मेरी भाषा में बोलते हैं मॉडल ऑफ बिजनेस, हमने ये ऐड कर लिया। तो अगर हम देखें पिछले 40 साल में 2075 से लेकर 2015 तक हमने 5 मॉडल लिए 40 साल में, लेकिन पिछले 10 साल में हमने 4 मॉडल लिए। तो हमारे मॉडल कितने रैपिडली बदली हो रहे हैं जी। ये मॉडल बदली हुए हैं इंटीग्रेशन के आने के बाद, क्योंकि इंटीग्रेशन तकरीबन 2010 में फुल फ्लेज में आना शुरू हो गया। वैसे तो आया इंटीग्रेशन 2000 में था, पर 2010 में काफी फ्लरिश होना शुरू हो गया। तो 2010 से 2020 में आप स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है हमारे 4 मॉडल ऑफ बिजनेस आ गए हैं जी। हमने हर बार जो मॉडल ऑफ बिजनेस चेंज किया है ना, वो हर बार कोई ना कोई क्राइसिस जब आया है, क्राइसिस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद ही हमने मॉडल ऑफ बिजनेस चेंज किया है। हमने प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांसमेंट करने के लिए हमने मॉडल ऑफ बिजनेस चेंज किया है। हर बार हमने क्या किया, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, कुछ चीज जो हम रेडीमेड लेते थे खुद लेना शुरू कर दिए। इसको हमको इस मॉडल को समझना चाहिए। आज जो ये न्यू कमर है या जो एग्जिस्टिंग आदमी है उसको ये देखना चाहिए कि वो पिछले ये 9 या 7 मॉडल ऑफ बिजनेस पे वो कहां खड़ा है जी। ऐसा तो नहीं कि वो 1975 वाले मॉडल में खड़ा है। साहब आप 1975 वाले मॉडल में खड़े हो और आप आज बोल रहे हो कि 2021 में मुझे मुनाफा आ जा रहा है, आपको ये तस्वीरें देख के लगता है कि प्रॉफिट आएगा? समझना पड़ेगा ना आपको। इसके लिए मैंने कहा इतिहास जरूरी है। अब ये तो खाली एक इतिहास की पहचान है, इसके ऊपर तो हमको डेटा में भी जाना पड़ेगा, इसके लिए हमारे को बहुत टाइम चाहिए। सो एवरीवन टू अंडरस्टैंड, डू यू नो योर मॉडल ऑफ बिजनेस, आपका अभी एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है, क्या वो मॉडल ऑफ बिजनेस आपको सर्वाइवल या प्रॉफिटेबिलिटी देगा, देगा तो कैसे देगा, और अगर नहीं देगा तो कैसे लाया जाएगा। बात तो इसी की है, जुगाड़ तो इसी की, जद्दोजहद तो इसी की करनी है ना। लेकिन आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आप कौन से सेशन पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी जो है वो साउथ जाएगी और 2 की गाड़ी नॉर्थ जाएगी। अगर आपको नॉर्थ जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है कि जो 1 के ऊपर वाली जो साउथ की गाड़ी आगे जाके यू टर्न मार के जाएगी, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। ये तो मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। तो आपको आपका बिजनेस मतलब ये जितने भी मैंने आज तक अभी तक जो भी स्लाइड बताई है इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कहां सही जा रहे हैं कहां गलत जा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक सामने एक मॉडल है, इसके पीछे तो आप बहुत सारे होमवर्क हैं जो आपको अपने लेवल पे करने पड़ेंगे, अपने लेवल पे समझने पड़ेंगे, अपने लेवल पे उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। एक नहीं, दो नहीं, 10 लोग मिलके बैठ के विचार विमर्श करके। जरूरी नहीं है कि आपको 2 दिन में उसका हल मिल जाए, जरूरी नहीं है आपको 10 दिन में हल मिल जाए। मैं बोलता हूं 4 महीने में हल मिल जाए। समझ में तो आवे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपके मुंह में आके कोई प्रॉफिट नहीं देके जाएगा, आपको प्रॉफिट हासिल करना होगा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपको जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि इनपुट कॉस्ट की शुरुआत की थी, और कहीं ना कहीं कि जो नए मॉडल्स आए, जैसा कि आपने बताया कि इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए आए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आए, और दूसरा अभी तक का जो लोगों की समझ है, जो लोग बोलते हैं और जितना मैं समझता हूँ वो सिर्फ ये समझते थे लोग कि सिर्फ मैनेजमेंट अच्छी करने से पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होगी, फीड मैनेजमेंट होगी, और तरीके की मैनेजमेंट जो फार्म में इंक्लूड होते हैं वो सारी मैनेजमेंट करने से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आज एक तरीके से आँख खोल देने वाली बात आप बता रहे हैं कि उसके साथ साथ एनालिसिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा ऑपरेशन के साथ साथ।
अजय जी, मैं आपको एक बात बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोल दूं। मेरी जी कंपनी में मैनेजमेंट के ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं है, जी क्योंकि मैनेजमेंट करना, किसी फार्म का मैनेजमेंट करना, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। मतलब अगर इस के फीड बनी और इस तरह का चिक्स आया तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी आएगी, या उसमें मैक्सिमम 2, 4, 5, 6 पॉइंट का एफसीआर कम ज्यादा होगा, और वो 2, 4, 5, 6 पॉइंट की कीमत मेरे हिसाब से है 2 रुपए किलो, और वो 2 रुपए किलो एक्स्ट्रा कमाने के लिए मेरे लिए 62 दिन की मेहनत है, मेरे जी लिए 62 दिन की मेहनत है 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए। हम आगे जाके ये डिस्कस करेंगे कि 8 रुपए से लेकर 35 रुपए 40 रुपए किलो आप कैसे कमा सकते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस का नाम ही नहीं है। सब परफॉर्मेंस जो है ना, वो एक रिएक्शन है, जी परफॉर्मेंस एक रिएक्शन है। मतलब कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अच्छी फीड इस्तेमाल की है, आपने अच्छा चिक्स इस्तेमाल किया, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस समझो एफसीआर की भाषा में 1.6 आ जावे, आपको 1.65 आया, 5 पॉइंट ही ज्यादा आया ना। आज की तारीख जी में 5 की कीमत मेरे हिसाब से 2 रुपए किलो के ऊपर नहीं है, तो आप 2 रुपए किलो जो है आपको नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर 3 पॉइंट कम आई तो आज की तारीख में आपका 125 रुपया बच जाना है। साहब, ये 125 रुपया कमाने के लिए आपको 62 दिन मेहनत करनी है, 125 रुपया कमाने के लिए आपको 62 दिन मेहनत करनी है। वैक्सीन सही देनी है, आदमी सही रखना है, सुपरवाइजर सही होना चाहिए, मैनेजर सही होना चाहिए, वो चिक्स की डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, फीड के रॉ मटेरियल सही खरीदने चाहिए, मिक्सिंग बराबर होनी चाहिए, उसके क्या मेडिकेशन शेड्यूल सही होना चाहिए, फार्मर अच्छे तरीके का होना चाहिए, टाइम पे माल लिफ्टिंग होना चाहिए, और 45 दिन की रख रखावट। ये सब करने के बाद में आपको शायद 1.5 रुपया किलो एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सब करने के बाद में आपने मान लिया 20 रुपए किलो लेस प्रोडक्शन कॉस्ट से, गई भैंस पानी में। हमारी कंपनी में हमारा, मतलब मेरा ध्यान परफॉर्मेंस पे नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 1.5 रुपया 2 रुपया किलो मिलता है, वो तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, अब हम एक एक ये स्लाइड में दिखा रहा हूं, जिसको देखनी है देख ले। ये मैंने ये बताने की कोशिश की है पिछले दो दशक में, 20 साल में क्या क्या बदला है और क्या क्या नहीं बदला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे ना, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे कि क्या क्या चीजें आपको लागू हैं, और कंपटीशन में आप कहां खड़े हैं, और कहां आपको लेवरेज है, कहां आपको लेवरेज नहीं है। ये हमारे चार पैटर्न है ब्रॉयलर फार्मिंग के, ब्रीडर, हैचरी, फीड मिल, सीबीएफ। यहां पर हमने दिखाया हुआ है कि कॉस्ट वाइज किसका किसका कितना कितना उसका परसेंटेज है, ये एक छोटी सी स्लाइड है। और फिर लास्ट, तो ये लास्ट 2 डिकेड में हम, मतलब ये परिस्थिति मैंने बताई हुई है, इसको हम थोड़ा थोड़ा आगे करके बताते हैं, जो मेन पॉइंट है हम उसके ऊपर अगर आ जाएंगे। ये तो कैसा है, इसके जी ऊपर तो, ये स्लाइड के ऊपर तो मैं 2 घंटे आपसे बात कर सकता हूं। जी वेरी वाइटल पॉइंट्स। ब्रॉयलर इंडस्ट्री की आज की चैलेंजेस क्या क्या है, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, मतलब कि साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन स्ट्रेस, कंट्रोल ओवर इनपुट कॉस्ट, एफिशिएंसी, रियलाइजेशन, सेल्स प्राइसेस, शिपिंग, शॉर्ट आरओआई कम होते जा रहा है, कम्युनिकेशन ज्यादा होने की वजह से। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आज मैंने दिल्ली से चिक्स मंगाया है 22 रुपए का, और महाराष्ट्र में चिक्स का प्राइस है 34 रुपए, कितने पैसे बचाए, 2 रुपये पर चिक, जी दो महाराष्ट्र का रुपये पर प्राइस चिक है, मैंने 22 रुपए का मंगाया, 12 रुपए चिक्स मल्टीप्लाई 25,000, कितने पैसे हो गए जी साहब। यही ध्यान देना है ना, बिल्कुल सर। आप हिसाब निकालो, 12 10 हजार के पीछे 1,20,000 बचा, 20,000 के पीछे 2.5 लाख रुपए बचे, 25,000 के पीछे तो 3 लाख रुपए बचे ना।
चलो ठीक है, मॉडरेट ही हो जाएगी, 5%, 15,000 और कम हो जाएंगे, फिर भी 2,85 तो बचे। तो जी ध्यान कहाँ देना है हमारा, जो है ना, मतलब एक हमारे सब हमारा जो मेन प्रॉब्लम हमारी कहाँ आती है, जब कोई वर्ष या कोई कोरोना लॉकडाउन टाइप आता है तब हमारे पास एस्केप विंडो नहीं होती। ये एक हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। एक्चुअली ये भी पॉइंट के ऊपर हम मतलब पूरा दिन बात कर सकते हैं, सबके सोल्यूशन है। द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, डू वी हैव ए सोल्यूशन। इन जो भी मैंने बताई हुई है, यस वी डू हैव ए सोल्यूशन। टू अडॉप्ट सुटेबल ब्रॉयलर बिजनेस मॉडल, आपने क्या काम करना है, ये हम एक 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 करके हम इसको आगे जाएंगे। हम जो है मेन मुद्दे पे आते हैं, हाँ सारी बात बिल्कुल, जो मैं है भी अजय जी वो है चाहूंगा माइंडसेट के ऊपर। सर। आपको समझना है, जैसे अभी मैंने बताया कि आप कौन से मॉडल में हो, अंडरस्टैंडिंग द पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इट्स चेंज पैटर्न ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल। पहले जैसा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आता, पहले कैसा था, आज से 5 साल पहले आप कितना भी मुर्गी डालो 3 रुपए किलो मिल जाएगा। अब तो ऐसा है कि पिछले 3 साल में तो सभी के बैलेंस शीट माइनस में है, कुछ को छोड़ के। नहीं, जब तक आपको यह नहीं पता कि पिछले 2 साल में क्या बदली हुआ है, क्या बदले नहीं हुआ है, आप करेक्टिव मेजर्स क्या लेंगे, न्यू मेथड क्राइटेरिया ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अवर पोल्ट्री बिजनेस किस अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। हमारे पास रोड मैप हमको नए बनाने पड़ेंगे, और हमारे को सबसे पहली बात हमारे को माइंडसेट बदली करना पड़ेगा टू अटेन ऑप्टिमम आरओआई। नाउ व्हाट इज दैट माइंडसेट, हाउ चेंज इन मॉडल हेल्प्ड एफिशिएंसी वॉज, इतने साल में क्या हुआ, लोगों ने मॉडल क्यों चेंज किया, उसमें उनको ऐसा लगा एफिशिएंसी जिसकी थी जो नया मॉडल कर सका वो सरवाइव होता गया। एवरी न्यू मॉडल गेव ब्रीदिंग स्पेस एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। आप मेरी बात को कोरिलेट कर रहे हैं ना, 1975 से 1990 में जब हमने बदली किया तो एफिशिएंट, जो एफिशिएंट था उसने अपना मॉडल ऑफ बिजनेस चेंज किया, तो उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई और सर्वाइव होना शुरू हो गया। री इन्वेंटिंग मतलब अपने आप को अपने री इन्वेंट करना है, जो आज हम करने वाले हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिससे आपका जो आपके पड़ोस का फार्मर है, जो आपका कंपटीटर है, जो भी है, उससे आप एक स्टेप हमेशा आगे रहेंगे। ऐसा मेरा मानना है, जब आप चेस खेलते हो ना, जब तक आपके आगे प्यादा है आपको गोली नहीं लगेगी। तो आपने आपको उस चेस में पीछे होना है, और कोई ना कोई आपके आगे जरूर रहेगा, आपने अपने आप को सेफ गार्ड करना है। टेक्नोलॉजी इन हाउस बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हेल्प्ड इंप्रूव्ड मार्जिन। आज इंटीग्रेशन मॉडल जो है वो इतना पावरफुल हो गया है, पावरफुल नहीं नेसेसिटी हो गया है, उसके भी कई कारण है, वो भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। उसके बगैर ओपन जी, फार्मिंग मुश्किल है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हफ्ते में 4 दिन माल बेचना है। आप 4 दिन, अब ओपन फार्मिंग में आप 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन माल नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्राइस के कारण आया। वरना ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने साल में 4 बैच निकाले और 2 बैच आपके नुकसान में चले गए, आप कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। बेसिक ऑफ ब्रॉयलर प्रॉफिट मैनेजमेंट, सबको ये लगता है कि यही 3 मुद्दे हैं, इनपुट कॉस्ट, परफॉर्मेंस और सेल्स प्राइस, लेकिन असल यह है कि लो इनपुट कॉस्ट, गुड परफॉर्मेंस एंड हाई एवरेज सेल्स प्राइस होने के बाद ही आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आएगा। बट द इश्यू इज हाउ टू ब्रिंग दिस, एंड देयर इज नो विक्स फॉर्मूला 44 फॉर दिस, ये हर आदमी ने समझना है। लेकिन जी दिस इज एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे, ये एक छोटा सा होमवर्क है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपको 1 लाख बर्ड 1 महीने में अगर आपको डालने हैं, तो आपके पास 1 करोड़, आपको वर्किंग कैपिटल कम से कम 1,83,00,000 रुपया लगेगा। और मतलब अगर आपको 10,000 बर्ड अगर पर मंथ प्लेसमेंट करना है तो आपको 18,00,000 रुपए लगेंगे,
ये बात आप समझ लें, ये आज की कॉस्टिंग के हिसाब से है, आज की कॉस्टिंग है आपकी 85 रुपए 32 पैसे। जैसे जैसे ये कॉस्टिंग कम ज्यादा होती जाएगी, आपका वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस होता जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप इस धंधे में ना आए, तकलीफ हो जाएगी। बॉयलर ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दिस इज द यही के ऊपर हम समाप्त करेंगे। बॉयलर ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी जी, यही चर्चा से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, ठीक है। बॉयलर ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिलेशनशिप क्या और कैसे होती है? चीक कॉस्ट है, बॉयलर ऑपरेशन की बात हो रही है, उसमें चीक कॉस्ट है, उसमें मेडिसिन कॉस्ट है, उसमें फीड कॉस्ट है, उसमें एफसीआर आएगा, उसमें एडमिन कॉस्ट आएगा, उसमें ग्रोइंग चार्जेस आएगा, और उसमें एवरेज सेल्स प्राइस है। ये जो 7 फैक्टर हैं, यही 7 फैक्टर हमारे बॉयलर ऑपरेशन में मोटे मोटे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को मिला के आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आएगा। बट मुद्दे की बात यह है, ये सारे ऑपरेशन तो मिला के ही आएगा, हम ऐसी स्ट्रेटेजी हम क्यों ना बनाए या इसको इस तरह से क्यों डिस्कस ना करें कि हम ये 7 ऑपरेशन को किस तरह से काम करें कि हमारी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हमारी सेविंग हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, सेविंग ऑफ रुपीस पर केजी बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजीज, जो पहली स्लाइड में हमने बात की। तो मेरा ऐसा मानना, ये मेरा मानना है, मतलब किसी हो दूसरे का मानना हो या ना हो वो अलग बात है, कि कॉस्ट में आप 2 रुपए से 7 रुपए के पीछे आप बचा सकते हैं। मेडिसिन कॉस्ट में 25 पैसे 75 पैसे पर किलो आपका सेविंग हो सकता है। फीड कॉस्ट में आपका 2 रुपए से 17 रुपए किलो, ये बात हो रही है 2 रुपए से 17 रुपए किलो या 25 पैसे से 75 रुपए किलो या 2 रुपए से 7 रुपए किलो पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, ब्रॉयलर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, ना कि चीक कॉस्ट की बात हो रही है, फीड कॉस्ट की बात हो रही है, ना मेडिसिन कॉस्ट। मतलब इन कॉस्ट के जरिए आप इतने रुपए पर किलो ऑफ मीट में आप सेविंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छा बुरा है, जैसा भी होता है आपका, उसमें आप 1 रुपए से 5 रुपए तक बचा सकते हैं। एडमिन कॉस्ट में 1 रुपए से 7 रुपए किलो तक बचा सकते हैं। ग्रोइंग चार्जेस में आप 1 रुपए से 5 रुपए किलो बचा सकते हैं। और अगर आपका प्लेसमेंट अगर सही हो तो आप 1 रुपए से 7 रुपए किलो, आपका एवरेज सेलिंग प्राइस इंप्रूव हो सकता है। अगर आप खुद का माल बेचते हो तो 10 रुपए तक जा सकता है। अजय जी, अगर आप इन सभी का टोटल अगर आप करते हैं ना, तो आपका जो सेविंग है वो हो जाता है 8 रुपए से 47 रुपए किलो। और मैं कोई, मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई एग्जैगरेशन फिगर नहीं दिया है, ये फिगर हम रोज कहीं ना कहीं लेते हैं। हमारा ध्यान जो रहता है वो सिर्फ एफसीआर पे रहता है, जहां पर हम 1 रुपए से लेकर, जैसे मैंने पहले बताया, 2 रुपए किलो तक बचा लेंगे। इन सब चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है जी। अगर हम इन सब चीजों पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपना के, उसके ऊपर हम चर्चा करके, उसकी हम कुछ होमवर्क बना के, अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे ना, तो हर, मैं बोलता हूं, मैंने तो यहां पर 8 रुपए मिनिमम कॉस्ट लिखा है ना, आप 5 रुपए तो बच ही सकते हैं जी। बिल्कुल सर। अजय जी, अगर आपको नेट प्रॉफिट 3 रुपए किलो मिल रहा है, इसमें अगर 5 रुपए किलो बचते हैं, कितने पैसे हो गए? 150% प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन अगर आप पट्टे मान के काम करेंगे ना, तो साहब बड़ा मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने कीमती समय से समय निकाल कर। तो पूछ रहे हैं तो पूछ रहे, कोई इशू की बात नहीं है जी। बस सर, मैं चाहूंगा, मैं सभी दर्शकों को भी बता देता हूं कि बत्रा जी जल्दी ही अगली बार हम दोबारा मिलेंगे और जो भी सवाल होंगे और इस स्लाइड को भी विस्तार से और समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी इनपुट कॉस्ट घटा के ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एक फार्मर लेके आ सकता है। तो जब भी हम दोबारा मिलेंगे सर, जब हम सारे सवालों पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद सर आपका समय के लिए, और ठीक ये थे ओंकार बत्रा जी मुंबई से, धन्यवाद सर। है, थैंक यू वेरी मच।